हम करने वाले हैं फार्मूलाज में टेक्स्ट फार्मूला। ठीक है, सबसे पहले इसमें जो फार्मूला है वो है भाट टेक्स्ट। ये पता क्या करता है? वैसे कुछ खास यूज नहीं है इसका, पर ये हाँ भाट में करता है। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है, थाईलैंड की थाई लैंग्वेज में कर देता है ये। ठीक है, नंबर टू वर्ड कन्वर्जन है। उसके बाद है आपका कैर कोड, दो फॉर्मूले हैं, ये कोई कैरेक्टर है और इसका ये कोड है। ये कोड होता है आपका ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो उस टेबल में जो भी इसकी पोजीशन होती है वो पोजीशन दे देता है वो कोड। तो हम ये कैरेक्टर जो है कैर कोड के जरिए जनरेट कर सकते हैं। कैर में अगर आप नंबर डालते हो तो उसका ये कैरेक्टर आपको बता देगा, और कोड में कोई कैरेक्टर डालते हो तो उसका कोड बता देगा आपको। ठीक है, तो कैर कोड का जो एक वैसे भी यूज किया जाता है, जैसे डैशबोर्डिंग में कैसे यूज होता है, जैसे मुझे एक चार्ट का सिंपल बनाना है और वी लुकअप से कॉल करना है। एक सैम्पल दिखाता हूँ कि कैसे किया जाता है, कि जैसे मेरे पास है, हाँ कुछ फिगर्स ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ। एम्प्लॉय E001, और ये मैंने कुछ एक डेटा सा बना दिया। अब मुझे यहाँ पे चार्ट तैयार करना है। तो एक फॉर्मूला होता है रिपीट का, REPT। ठीक है, ये क्या करता है, कोई भी टेक्स्ट देंगे और उसको उतने नंबर ऑफ टाइम रिपीट करेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे पाइप दे देता हूँ, पाइप होता है ये आपका इंटर के ऊपर बैक स्लैश होता है ना, वो शिफ्ट दबा के ये पाइप का कैरेक्टर आता है। अब नंबर्स मैंने दे दिया ये सेल्स वाले। ठीक है, तो ये आपका उतने टाइम इसने रिपीट कर दिया। तो एक चार्ट का इल्यूजन बनाते हैं, इसमें थोड़ा सा हमें चेंज करना होता है फॉन्ट, जैसे ब्रिटेनिक बोल्ड डाल दिया। ठीक है, कलर आप फॉन्ट कलर चेंज करेंगे तो इसका ये भी बदल जाएगा। तो एक मान लो ये हो गया। अब इसी पे मुझे इस पे फिगर भी दिखानी है, कंकेटिनेट कर दिया फिगर को इधर। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, अब इस पे मुझे क्या करना है, टारगेट का भी दिखाना है अलग से। ठीक है, तो एक करेक्टर होता है जैसे ऑल्ट एंटर। ठीक है, इसका एक, अब ये ऑल्ट एंटर अगर मुझे देना है इसके फॉर्मूला के बीच में तो कैसे दूंगा? ठीक है, इसके लिए मैं यूज़ करूँगा कोड का। अब जैसे मैं यहाँ पे मान लो सिर्फ ऑल्ट एंटर लाता हूँ। ठीक है, अगर मुझे इसका कोड डालना जानना है तो यहाँ से मुझे पता पड़ गया 10 कोड है इसका। तो मैं इसको फार्मूला थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यही फार्मूला आगे कंकेटिनेट करूँगा। कोड 10 डाला मैंने इसके अंदर और उसको कंकेटिनेट कर दिया फॉर्मूले में, जहाँ ये D4 की सेल को देखेगा। ठीक है, ये आ रहा है मान लो, पर अभी ये कंफ्यूज करेगा। कोड 10 नहीं, कैर 10 कोड डाला है ना। ठीक है, D4। तो इस तरीके से अब ब्रेक करने के लिए जब आप देखते हो कि ऑल्ट एंटर पड़ता है ना कहीं भी, तो क्या होता है, रैप टेक्स्ट अपने आप ऑन हो जाता है, जैसे ही ऑफ करोगे वो चला जाएगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, रैप टेक्स्ट को ऑन करना पड़ेगा। तो ये जो है वहीं से टूटेगा जहाँ से हमने वो कोड दिया होगा। ठीक है, अब ये आपका चार्ट है। अगर इसको रेशनली थोड़ा सा छोटा करना है तो आप ये अंदर जो वैल्यू दी गई है उसको डिवाइड कर दो किसी कॉमन नंबर से, है ना, 5 से डिवाइड कर दिया मान लो।
तो ये आपका थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। अब इसको अगर डायरेक्शन चेंज करनी है, मतलब आपको वैसे में चार्ट चाहिए, तो आप यहाँ अलाइनमेंट पे जाके इसको 90 डिग्री पे घुमा दो, आपको थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक तरह से आपका चार्ट बन गया। अब बेसिकली तो ये टेक्स्ट है, पर ये हमने ट्रिक से चार्ट की तरह दिखाया है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको यहाँ से डेटा वैलिडेशन में डाल के लिस्ट, ये लिस्ट ले ली हमने यहाँ से, अब यहाँ पे हमारे पास आ गई लिस्ट, यहाँ से लगा दो वी लुकअप, और जिसमें आपका ये चार्ट कॉल हो जाता है वी लुकअप से, कॉलम इंडेक्स 4 और 0, ठीक है। फॉर्मेट करके यहाँ कर, ठीक है। तो आपका ये बन गया, ठीक है। मतलब कोई भी फार्मूला बेकार नहीं है, उसको आप देखोगे तो डैशबोर्डिंग में ऐसी ही चीज़ों को मिला जुला के बनाया हुआ है कुछ, ठीक है। हालांकि एक कैर और कोड में जो आपका होता है, जैसे कैपिटल ए का और स्मॉल ए का कितने का डिफरेंस होता है, 32 का, 97 है ना। तो अगर मुझे स्मॉल केस में करना है तो मैं सीधा सा इसमें कैर निकाला, कोड निकाला पहले इसका कोड, और इसमें प्लस 32 कर दिया, जिसको मैं डाल दूंगा कैर के अंदर। तो एक्चुअली में जो नंबर टू वर्ड जो अपर लोअर केस की कन्वर्जन होती है, वो उसका बेस ये होता है पीछे, ठीक है। इसके बाद और कौन कौन से हैं फॉर्मूलाज में, टेक्स्ट में आपका है क्लीन। क्लीन किस लिए यूज होता है मालूम है, क्लीन का फॉर्मूला, ट्रिम मालूम है, ट्रिम किस लिए यूज, हाँ। तो जैसे यहाँ पे स्पेस दे दिया, बीच में स्पेस नहीं काउंट करता, ठीक है। तो आगे पीछे स्पेस दे दिया मैंने, अब ये ब्लैंक स्पेसेस हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। लेंथ चेक कर लेते हैं इनकी, आ रही है 15, ठीक है, जबकि दो स्पेस फालतू 13 होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको ट्रिम में डालता हूँ तो ये आगे पीछे के स्पेसेस जो है वो कर देता है डिलीट, और ये आ जाता है। पर अगर आपके पास कुछ ऐसा केस हो जैसे ऑल्ट एंटर, ठीक है, ऑल्ट एंटर कहने को तो एक करेक्टर है, जैसे स्पेस की जगह ऑल्ट एंटर दे दिया तो 13 तो काउंट कर ही रहा है, ठीक है। पर कई बार ये आपको दिखाई नहीं देता है, कैसे, ऐसे रैपटेक्स हटा दिया, कैरेक्टर वही है पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे कैरेक्टर को हटाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्लीन का, ये हो गया। पर उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे अगर मैं ऊपर वाले में क्लीन लगाऊं, मोस्टली क्या होता है कि ये क्लीन ट्रिम इकट्ठे यूज़ किए जाते हैं, जैसे ऊपर वाले में लगा दिया तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। ये क्या करता है, नॉन प्रिंटेबल करेक्टर्स को क्लियर कर देता है, क्योंकि जैसे ईआरपी से टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा आया तो कई बार कुछ ऐसे करेक्टर आ जाते हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, जो नॉन प्रिंटेबल हैं वहीं पर दिखाई नहीं देंगे। आपका कर्सर जो है मूव करेगा वहाँ पर, जिससे आपको पता पड़ेगा कि कोई है करेक्टर, तो ना वो फाइंड रिप्लेस से जाएगा ना किसी से, वो जाएगा क्लीन से, ठीक है। तो क्लीन ट्रिम का इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं, कई बार वी लुकअप में हमें ज़रूरत पड़ती है इन सब की, ठीक है। इसके बाद कंकैटिनेट है, ये आपको मालूम ही होगा किस तरह से यूज़ किया जाता है, कि दो को जैसे हम ऑपरेटर यूज़ कर रहे थे वैसे ये फॉर्मूला है। और उसके बाद हम आते हैं डॉलर। डॉलर का कोई ख़ास यूज नहीं है, ये बस आपके फिगर्स को डॉलर साइन लगा देता है और कुछ नहीं करता, ठीक है। इसी की तरह इसका भाई एक और भी है फिक्स्ड, ठीक है, ये नंबर फॉर्मेट देता है आपका, ठीक है। तो इनका यूज नहीं है वैसे तो। इसके बाद है आपका, जैसे आपने चेक करना है कोई चीज़,
अब इन दोनों को अगर मुझे कंपेयर करना है कि क्या ये दोनों स्ट्रिंग सेम है, तो अभी ये तो इक्वल टू लगाएंगे तो सेम बताएगा, पर अगर आपको अपर लोअर केस के हिसाब से देखना है तो आप एग्जैक्ट का यूज़ करोगे, तो एग्जैक्ट इन दोनों में कंपैरिजन करके आपको देगा। जब इनका केस सेम होगा उसी केस में ये आपको ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। ठीक है, फाइंड फिक्स्ड एग्जैक्ट लोअर अपर लोअर प्रॉपर। देखो अपर केस में करना है तो हमारे पास अपर का फॉर्मूला है, ठीक है, लोअर केस में लोअर का फॉर्मूला है, ठीक है, प्रॉपर आपका हो जाता है टाइटल केस, पहला कैरेक्टर बड़ा होता है, ठीक है, अपर लोअर प्रॉपर। रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, जैसे ये मैंने नाम लिख दिया, अब इसमें मुझे क्या करना है, ई की जगह आई करना है, ठीक है, तो मैं जैसे रिप्लेस का यूज़ करूँगा, पहला टेक्स्ट क्या है, मैंने कहा ई है, ठीक है, स्टार्ट नम मतलब कहाँ से स्टार्ट करना है और कितने कैरेक्टर, नहीं नहीं ओल्ड टेक्स्ट होगा आपका ये लिंक, ठीक है, स्टार्ट नंबर मैंने कहा कि यहाँ से 1 2 3 4 पांचवा कैरेक्टर जो है वो चेंज करना है, पांचवा कैरेक्टर से कितने, सिंगल ई को करना है कि दोनों ई को लगा के आई हटाना है, तो जैसे मैंने दोनों ई को हटा के आई लगाना है तो दो, नया उसकी जगह क्या देना है, तो मैंने कहा आई देना है, ठीक है, ये ऑटो करेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये उसमें आ जाएगा। सेम काम आपका रिप्लेस करता है, रिप्लेस में सब्स्टिट्यूट करता है, सब्स्टिट्यूट में तरीका अलग है, टेक्स्ट ओल्ड टेक्स्ट की पहले क्या है, मैंने कहा ई है, नया क्या आना है तो आई आना है, ठीक है, तो इसने क्या किया, दोनों ई को आई में कर दिया। अब मुझे खाली पहले वाले को बदलना था तो क्या करूँगा, अब देखोगे कि इंस्टेंस नंबर है तो पहला वाला दिन अगर बदलना है तो 1 डालेंगे तो पहले वाले को चेंज करेगा, दूसरा चेंज करना है तो 2 डालेंगे तो दूसरे को चेंज करेगा, अगर कुछ भी नहीं डालते तो वो जितने भी ई मिलेंगे उनको आई में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, उसके बाद है आपका तरीका अलग है, बस लगाने का काम वही करते हैं। सब्स्टिट्यूट में जैसे दूसरा वाला चेंज करना है, कई बार आप नंबर नहीं ढूंढ पा रहे हो उसका, पर दोनों अलग, अभी जो अगला एग्जांपल देखोगे ना तो थोड़ा सा इसका आपको एक वो मिलेगा, एक रिव्यू मिलेगा कि ये इस तरह से भी होता है। अब जैसे मैं टेक्स्ट के फॉर्मूलाज में आता हूँ, जैसे फर्स्ट नेम डालता हूँ किसी का, क्या डालता हूँ, संदीप कुमार सिंह, ठीक है, ये मैंने नाम डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे करना है फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम, ये सब अलग अलग करने हैं, ठीक है। लेफ्ट से वैल्यू लेने के लिए लेफ्ट का फॉर्मूला है कि टेक्स्ट ले लिया और कितने कैरेक्टर, जैसे ये मेरा 7 का है तो 7 कैरेक्टर ले लिए मैंने, ठीक है। राइट से वैल्यू लेने के लिए राइट का फॉर्मूला है, तो राइट में आपने ये लिया और टेक्स्ट कैरेक्टर कितने लेने हैं, 5 कैरेक्टर, तो ये 5 कैरेक्टर। अब मिडल से लेने के लिए मिड का फॉर्मूला है, मिड में आपसे पूछता है ये देखो टेक्स्ट और स्टार्टिंग नंबर कौन सा होगा, तो 7 तक का ये है, 8वां स्पेस है, 9 से चालू है, तो 9वां कैरेक्टर स्टार्टिंग पॉइंट है। अब 9 से कितने कैरेक्टर लेने हैं, वो नंबर ऑफ कैरेक्टर पूछता है, तो ये कितने का है, 1 2 3 4 5 का है, तो 5 लेंगे, इस तरह से आएगा, ठीक है। अब ये नंबर हम मैन्युअली तो डालेंगे नहीं, कई बार ज़रूरत होती है मैन्युअली डालना है, अगर इसको डायनेमिक करना है तो अब मुझे फार्मूला को थोड़ा सा मर्ज करना पड़ेगा अदर फार्मूलाज के साथ। तो इसमें जो कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं, हम किसके हिसाब पे जज करते हैं कि ये मिडल नेम है, और ये करते हैं हम स्पेस के आधार पर, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे इसमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, पहला स्पेस कौन सा, फर्स्ट स्पेस, फिर सेकेंड स्पेस कहाँ आ रहा है, और टोटल लेंथ क्या है, इससे मेरा काम हो जाएगा, ठीक है।
तो ये डाल दिया मैंने, ये जैसे किसी का नाम है। अब क्योंकि ये फॉर्मूले हर बार अलग अलग होते हैं, तो फर्स्ट स्पेस मुझे फाइंड करना है, तो फाइंड का फॉर्मूला है मेरे पास। मैंने दिया कि स्पेस फाइंड करना है, किस में फाइंड करना है, इसके अंदर फाइंड करना है, ठीक है। ये बता रहा है कि छठी पोजीशन पे स्पेस है। सेकंड स्पेस फाइंड करना है, तो मुझे फाइंड का ही फॉर्मूला लगाना है, स्पेस और विद इन टेक्स्ट, टेक्स्ट ये है। अब ये पूछ रहा है स्टार्टिंग नंबर, क्योंकि पहला 6 पे मिल गया था, दोबारा करूँगा फिर 6 पे मिलेगा, तो मैं कहता हूँ 6 से एक आगे बढ़ जाओ, क्योंकि 6 भी दूंगा तो वो छठे वाला ही दिखाएगा। तो ये जो पहला स्पेस है +1, उसके तो ये अगला स्पेस देगा मुझे। ये दे दिया कि 12वें पे अगला स्पेस, और टोटल लेंथ के लिए लेंथ का फॉर्मूला है, ये मेरे को लेंथ बता देगा। अब कैलकुलेशन कैसे चलेंगी, पहला स्पेस 6 पे है, नाम 5 का है, ठीक है। तो क्या है, फर्स्ट स्पेस -1, लेफ्ट के फॉर्मूला में हमारा फर्स्ट स्पेस -1 लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, राइट के लिए लेंथ में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 करेक्टर हैं, तो 20 - 12 8 होता है। सेकंड स्पेस टोटल लेंथ में से कर देंगे, तो लेंथ माइनस सेकंड स्पेस, ये आ गया। अब मिड के लिए क्या करना है, पहले तो स्टार्टिंग पोजीशन चाहिए, तो स्टार्टिंग पोजीशन स्पेस के अगली वाली होती है, यानी कि फर्स्ट स्पेस +1 है ना, और जो नंबर ऑफ कैरेक्टर लेने होते हैं वो सेकंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस -1, क्योंकि एक कैरेक्टर फालतू लेगा वो, तो सेकंड स्पेस माइनस फर्स्ट स्पेस -1, ठीक है। तो इस तरह से आपका आएगा। अब ये किसी भी तरह के उसमें चलेगा, जैसे ये फार्मूला मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया, पोजीशन आ गई, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है हमने, अब ये मर्ज करने हैं फार्मूले। तो सबसे बड़ी बात मैंने कहा था कि फाइनल फार्मूला से देखो कि किस पे डिपेंडेंट है। अब ये तीनों इस पे कहीं ना कहीं तो डिपेंडेंट है, अब ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए, तो ये तो इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है हमारे इस पे, तो इसको फ्री करना पड़ेगा सबसे पहले, बाकी ये भी इंडिपेंडेंट है। तो इसको कैसे फ्री करेंगे, ये उठाया मैंने, कॉपी किया, कौन सी जगह है ये, F4 है, तो F4 मुझे पता है कि इनमें कहीं ना कहीं सब में ही यूज़ हो रहा है, मुझे हर जगह जहाँ मैं भी मैंने F4 दिया है उस जगह मुझे ये फार्मूला डालना है। तो फार्मूला डाला, और अब जैसे मल्टीपल चेंजेस करने हैं तो रिप्लेस ऑल सेलेक्ट करके, चार जगह रिप्लेस हो गया फार्मूला, ठीक है। अब सेकेंड स्पेस जहाँ यूज़ हो रहा है, यानी कि G4, स्पेस से पहले तक, इक्वल टू से पहले तक कॉपी किया, और इसी में ही होगा, यहाँ पे मैंने करा G4 और रिप्लेस कर दिया इस फॉर्मूले से, दो रिप्लेसमेंट हो गए। और लेंथ का जहाँ यूज़ किया, तो लेंथ का मैंने एक ही जगह करा है, वो यहाँ करा है, चाहे तो अगर ना समझ आए तो ऐसे कर सकते हैं, H4 लेंथ रिप्लेस है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया डायनेमिक, ठीक है। तो क्या करना है, लॉजिक को तोड़ के लगाना है, मर्जिंग ऐसे करनी है, ठीक है। अभी इसमें क्या करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि दो करेक्टर का नाम होता है, हो सकता है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, फर्स्ट नेम चाहिए और लास्ट नेम चाहिए, मिडल नेम तो चाहिए नहीं, तो अभी देखते हैं क्या क्या लाता है। ये लेके आया, ये तो सही ले आया, यहाँ पे एरर, यहाँ पे एरर। तो इफ एरर का फॉर्मूला मालूम है आप लोग को, इफ एरर कहाँ लगाते हैं, हाँ, जैसे कि अब मैं यहाँ पे एक सैम्पल दिखाता हूँ, कि यहाँ से मैं कुछ डिवाइड कर रहा हूँ, ये डिवाइड किया, ठीक है, यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है। पर जब यहाँ पे कुछ 0 से डिवाइड किया, ये आ गया। अब मान लीजिए कि यहाँ इसके अंदर कुछ नंबर पड़े हुए हैं यहाँ, और यहाँ पे एक फार्मूला लगा हुआ है, तो जैसे ही ये फार्मूला एरर रिटर्न करेगा, वो अगले फार्मूला को भी पास कर देता है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इफ एरर का फार्मूला लगाते हैं।
इफ एरर का फॉर्मूला लगाया, इसमें है वैल्यू और वैल्यू इफ एरर, तो वैल्यू में वो फार्मूला देंगे जहाँ पे एरर आने की संभावना है, और वैल्यू इफ एरर में वो देंगे जो एरर के केस में हमें चाहिए। तो यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे ज़ीरो चाहिए, ठीक है, कि ज़ीरो आ जाए मेरा काम चल जाएगा। तो ये ज़ीरो आ गया, मेरा अगला फार्मूला नहीं होगा, वैसे ये सही काम करेगा। जब एरर होगी तो जो आप देंगे वो आएगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ करनी है कि ये पूरा फार्मूला इफ़ एरर के अंदर डाल दिया हमने, कहा अगर यहाँ पे एरर आ गई तो क्या करना है, ब्लैंक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एरर आ गई तो क्या करना है, मुझे दूसरा फार्मूला चाहिए, ठीक है, इफ एरर। और यहाँ पे मैं ये फार्मूला इसका बना दूंगा कि राइट से लेंथ माइनस फर्स्ट स्पेस, है ना। तो राइट का फार्मूला टेक्स्ट में लेंथ माइनस फर्स्ट स्पेस मुझे कहाँ से मिलेगा, फाइंड से, ठीक है, आ गया। सिंगल का भी नाम हो सकता है, यहाँ पे मुझे फर्स्ट नेम ही चाहिए खाली, अब दोनों में एरर आ गए, ठीक है। तो अब दोनों जगह एरर आ गई, बीच वाला फार्मूला हमारा ठीक चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, फिर से वही इफ एरर और वैल्यू, इफ एरर में हमने बगल वाली वैल्यू पिक कर लेनी है, ठीक है। यहाँ आ गया, यहाँ पे एरर के केस में क्या करना है, हमें कुछ नहीं चाहिए तो मैं इसको ब्लैंक कर दूंगा, ठीक है, ये आ गया। अब यही फार्मूला अगर मैं नीचे ड्रैग करूं कि जहां कोई भी वैल्यू नहीं है, मान लो मैंने पहले से सेट करके रखने हैं, तो यहां जीरो आ रहा है, तो आप इस फार्मूले को इफ़ के साथ सेट कर सकते हो कि इफ़ अगर ये फार्मूला इक्वल टू जीरो है तो वहां ब्लैंक आ जाए, अदरवाइज ये आ जाए, यही फार्मूला चले, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये फार्मूला ड्रैगेबल हो जाएगा और आपके हर केस में चलेगा, ठीक है। पिंटू, ठीक है, यहाँ स्पेस फालतू दे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फॉर्मूला के साथ करते हैं टेक्स्ट है। हालांकि अब इन सब की ज़रूरत नहीं रह गई है क्योंकि 2013 वाले वर्जन में ये सब चीज़ें, अपने क्विक फ्लैश का नाम सुना होगा, फ्लैश फिल का, हाँ, तो फ्लैश फिल के ज़रिए हो जाती हैं। किए कभी, जैसे फ्लैश फिल है, जैसे मान लो कि ये उठा लाया, हाँ ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है, जैसे जहाँ पे वो है, यहाँ पे हमारा आ गया, जैसे मैंने करना है एस एस के सिंग लिखना है, ठीक है, कंट्रोल एंटर कंट्रोल ई। अब इसको आपको सजेशन में बताना पड़ता है, कई बार ये गड़बड़ देता है, तो यहाँ पे मैं करूँगा वी के उपाद डी एच वाई वाई, आ गया अपने आप अगला। तो ऐसे बड़ी लिस्ट होगी तो अपने आप ही ये वो कर लेता है, जैसे अपर केस में बदलना है आपने सिंपल इस पे ये करना है, कैपिटल लेटर्स में लिख देना है, जो भी होगा ये कैपिटल लेटर में कर दे, कंट्रोल एंटर कंट्रोल ई। तो ये सारा काम आपका फ्लैश फिल के ज़रिए हो जाता है। ये पूरा डिवाइड तो नहीं कर सकते ना, डिवाइड तो नहीं कर सकते, ना ना ये लिमिटेशन है, फ्लैश फिल ये 2013 में ही नया आया है। हाँ, और इसमें हम चलते हैं, और क्या बचा है हमारे पास, ये आपका टी और टेक्स्ट। टेक्स्ट का फार्मूला मालूम है कैसे लिया आता है, कम आपके कस्टम कोड सारे चल जाते हैं, डेट वेट जो भी निकालना,
ठीक है वो, और टी का फार्मूला मालूम है, टी किस काम आता है? जैसे आपके पास नंबर पड़ा है, टेक्स्ट पड़ा है, नंबर पड़ा है, ठीक है, इसमें आपको अगर टेक्स्ट चाहिए तो टी का फार्मूला आ जाएगा, तो ये टेक्स्ट की जगह पे टेक्स्ट दे देगा, नंबर की जगह पे कुछ नहीं देगा, ठीक है। एन का फार्मूला इसी तरह है, ये इसका रिवर्स है, हाँ, तो ये नंबर जहाँ टेक्स्ट होगा वहाँ जीरो दे देगा, और क्योंकि नंबर फॉर्मेट में ही देता है ना, तो इसलिए ब्लैंक का मतलब जीरो होता है। तो ये इसको इफ के फार्मूला के साथ मिला के आप इसके जैसा करा सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जो है टोटल फार्मूले जो है, एक वैल्यू का फार्मूला है, ये कई बार काम आ जाता है, कई बार हमारे पास ना वैल्यू टेक्स्ट में हो जाती है ना, तो ये आपका वैल्यू का फार्मूला उसको नंबर में कन्वर्ट करने के काम आता है कई बार, तो ये कन्वर्जन ऑटोमेटिक हो जाता है, पर अगर ना हो तो वैल्यू का फार्मूला हम ले सकते हैं नंबर में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी टेक्स्ट को, ठीक है। तो ये था हमारा टेक्स्ट फार्मूलाज़।